Hello students, this is the third lecture on topic magnetic effect of electric current. In last two lectures we discuss about the force acting on positively charged particle when charged particle is projected through the magnetic field, right? वो फॉर्मूला भी था F इज इक्वल टू क्यू वी वी साइन थीटा. फिर हम लोगों ने वहां कंक्लूजन्स भी ड्रॉ किए थे कि पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल प्रोजेक्टेड पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड डज नॉट एक्सपीरियंस द फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड. दूसरा कंक्लूजन ड्रॉ किया था कि दैट पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल प्रोजेक्टेड परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंस द मैक्सिमम फोर्स ड्यू टू द फील्ड, और वो फोर्स था F इज इक्वल टू क्यू वी बी. फिर हम लोगों ने कंक्लूजन ड्रॉ किया कि व्हेन पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल प्रोजेक्टेड परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड परफॉर्म्स यूनिफॉर्म सर्क्युलर मोशन इन दैट फील्ड, एंड इन यूनिफॉर्म सर्क्युलर मोशन दैट मैक्सिमम लॉरेंट्स फोर्स प्रोवाइड्स अ सेंट्रीपेटल फोर्स एम वी स्क्वायर अपॉन आर टू मेंटेन द यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. फिर हम लोगों ने और एक कंक्लूजन ड्रॉ किया था कि इन दिस केस फोर्स एंड वेलोसिटी आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, सो देयर डॉट प्रोडक्ट इज जीरो, यानी पावर इज जीरो बट पावर इज वर्क अपॉन टाइम, टाइम इज ऑलवेज नॉन जीरो. तो इन दिस केस वर्क डन बाय दिस फोर्स इज ऑलवेज व्हाट, जीरो. तो व्हेनेवर charged particle is projected perpendicular to the magnetic field experience the maximum Lorentz force, particle performs uniform circular motion. Though the particle performs uniform circular motion, this force will not increase the speed of that charged particle, this force will not increase the kinetic energy of that charged particle, this force always maintain the motion of charged particle with the constant speed, and that is why charged particle performs uniform circular motion. और फिर हम लोगों ने ये frequency का formula derive किया था, ये भी वापस होगा जो हम लोग content discuss करने जा रहे उसमें, otherwise इससे इसका पहला वाला lecture देख लेने का, ठीक है. उस frequency को cyclotron frequency बोला गया था. तो अभी cyclotron क्या होता है, let us discuss in today's lecture. तो डायग्राम में देखो ये जो है ये साइड व्यू एंड टॉप व्यू ऑफ साइक्लोट्रॉन. मैं ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करता हूँ क्योंकि कंटेंट का लेंथ बहुत बढ़ जाएगा, अदरवाइज उतना नहीं है स्कोप. ये जो डिवाइस है इट इज अ डिवाइस यूज्ड टू एक्सेलरेट द चार्ज पार्टिकल्स लाइक पॉजिटिव आयन्स प्रोटॉन्स ड्यूटेरॉन्स अल्फा पार्टिकल्स. This device is used to accelerate the positively charged particle, mainly speaking, positive ions ko, protons ko, deuterons ko, alpha particles ko. You can use this device to accelerate the electron also. But electron is what? Lightweight particle. So the particle us acceleration achieve nahi kar pata. Uske pehle hi bhag jata hai. That is why. So, ये जो हाईली एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल है दोस पार्टिकल्स आर यूज इन ऑपरेशंस. जैसे आपको आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी चाहिए या किसी एटम का न्यूक्लियस का स्टडी करना है, तो दैट न्यूक्लियस दैट एटम इज व्हाट, बम्बार्डेड बाय पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स विच आर हाईली एनर्जेटिक. तो सच हाईली एनर्जेटिक आयन्स टू प्रोड्यूस साइक्लोट्रॉन का यूज किया जाता है. ओके इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है ये बाद में देखते हैं, पहले इसका कंस्ट्रक्शन देखते हैं. ये कंस्ट्रक्शन के दो डायग्राम आपको एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना है. ये डायग्राम में देखो ये जो है ऊपर का ये एन पोल है और ये नीचे का एस पोल है. लेट अस कंसीडर दैट कि अपना एक रूम ले लो, अपना एक रूम ले लो, उस रूम को हम लोग वैक्यूम चेंबर बोलेंगे. लेट अस कंसीडर द रूम, उसको हम लोग वैक्यूम चेंबर बोलेंगे. तो रूम का जो सीलिंग है,
दैट सीलिंग इज एन पोल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट और जो फ्लोवर है वो एस पोल ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेट एक्ट हो रहे। तो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स स्टार्ट फ्रॉम द सीलिंग एंड टर्मिनेट ऑन द फ्लोवर। तो यार मैग्नेटिक फील्ड इज व्हाट वर्टिकली डाउन। मैं वापस बोलता हूँ, ये खाली अंडरस्टैंडिंग के लिए। हाँ, ये एक रूम है, जैसे रूम का लुक है वैसे एक्सेलरेटर है, ऐसे सोचो। तो रूम का सीलिंग और फ्लोवर दे आर द एन एंड एस पोल ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स स्टार्ट फ्रॉम द सीलिंग एंड टर्मिनेट ऑन द फ्लोवर। तो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन कैसे हो गया, वर्टिकली डाउन, राइट। ओके, अभी अपना रूम का वॉल्यूम है। इस वॉल्यूम में क्या करना है, ये दो मेटल सेमी सिलेंडर्स है, दीज आर द सेमी सिलेंडर्स ऑफ सेम रेडियस एंड सेम थिकनेस। आई अगेन रिपीट, दोनों मेटल सिलेंडर है, सेमी सिलेंडर, दोनों सेमी सिलेंडर्स है, दोनों का थिकनेस यानी हाइट सेम है और रेडियस भी सेम है। दे आर केप्ट इन हॉरिजेंटल प्लेन एंड व्हाइल दे आर केप्ट इन हॉरिजेंटल प्लेन अलोंग देयर डायमीटर स्मॉल सेपरेशन इज इंट्रोड्यूस। ऐसे कंसीडर करो, या तो एक होल सिलेंडर ले लो मेटल का, हॉलो सिलेंडर, उसको अलोंग द डायमीटर कट करो और थोड़ा सा सेपरेट कर दो, जैसे ये डायग्राम में दिखाए। देखो ये वाला, ये एक सेमी सिलेंडर है और ये एक सेमी सिलेंडर है, दोनों का रेडियस सेम है, दोनों का हाइट सेम है, व्हाइल दे आर माउंटेड इन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन, थोड़ा गैप यहाँ पे रखा है, एंड एट द सेंटर ऑफ दिस गैप हियर द सोर्स ऑफ पॉजिटिव आयन इज इंट्रोड्यूस। ये पॉजिटिव आयन का एक सोर्स रखा है और हियर इज अ प्रोविजन टू इंट्रोड्यूस द पॉजिटिव आयन, राइट। तो क्या होगा इस केस में, मैग्नेटिक फील्ड जो रहेगा ये परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ डी रहेगा। इसका लुक डी जैसे दिखता है इसलिए इनको डीज बोला जाता है। यहाँ मैग्नेटिक फील्ड वर्टिकली डाउनवर्ड है, ये दोनों डीज हॉरिजॉन्टल प्लेन में रखा है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड दोनों डी के प्लेन को कैसे रहेगा, परपेंडिकुलर रहेगा। नाउ तो इस डी को मैग्नेटिक फील्ड कैसे परपेंडिकुलर है, यहाँ पे नॉर्मली इनवर्ड दिख रहा है, ये सोर्स ऑफ पॉजिटिव आयन, और दोनों डीज के बीच में ये एसी इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ वेरी वेरी हाई फ्रीक्वेंसी कनेक्टेड, वेरी वेरी हाई फ्रीक्वेंसी एसी इलेक्ट्रिक फील्ड इज व्हाट कनेक्टेड। एक डी के एज पे यहाँ पे ओपनिंग रखा है एंड नियर द ओपनिंग हियर प्लेट इज केप्ट, दैट प्लेट इज ऑलवेज मेंटेन एट नेगेटिव पोटेंशियल, दैट प्लेट इज ऑलवेज मेंटेन एट नेगेटिव पोटेंशियल। तो जब ये पॉजिटिव आयन स्पाइरल पाथ फॉलो करके यहाँ पे आएगा, दैट स्पाइरल पाथ फॉलोड पॉजिटिव पार्टिकल को ये निगेटिव प्लेट क्या करेगा, डिफ्लेक्ट करेगा एंड देन इट इज टेकन आउट ऑफ द डी एंड इट इज अलाउड टू स्ट्राइक द टारगेट, जिसके बारे में हमें डिस्कशन करना है या कुछ रिसर्च करना है। दिस इज हाउ द कंटेंट इज, और यहाँ पे वैक्यूम मेंटेन किया रहेगा, प्रेशर मेंटेन किया रहेगा। ये मैंने आपको रफली अंडरस्टैंडिंग के लिए बताया। तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड कैसे वर्टिकली डाउनवर्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड इन हॉरिजॉन्टल प्लेन, इलेक्ट्रिक फील्ड हॉरिजॉन्टल प्लेन में, मैग्नेटिक फील्ड वर्टिकली डाउनवर्ड है। तो हियर पॉजिटिव आयन इज सब्जेक्टेड टू परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, और हम लोगों ने ऑलरेडी लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया। तो मैग्नेटिक फील्ड विल नॉट इंक्रीज द एनर्जी ऑफ चार्ज पार्टिकल, but electric field accelerate the charge particle. What is acceleration? Increase in velocity of the time. So, यहाँ पे magnetic field का role क्या है? Keep the charge particle over the circular path. Magnetic field का role क्या है? To keep the charge particle over the circular path. यहाँ magnetic field अगर vertically downward है, तो charge particle will perform the circle in horizontal plane. एक इलेक्ट्रिक फील्ड का रोल क्या है, जैसे ये दो गैप में चार्ज पार्टिकल आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड उस चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट करेगा। तो चार्ज पार्टिकल विल एक्सेलरेट द चार्ज, वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल विल इंक्रीज बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन
सॉरी वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल विल इंक्रीज बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट। तो मैग्नेटिक फील्ड का काम क्या है, उस चार्ज पार्टिकल को हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन को मेंटेन करने का, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सेलरेट द चार्ज पार्टिकल एंड प्रोवाइड्स द एनर्जी। कंक्लूजन ये है कि बिकॉज ऑफ एसी इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज पार्टिकल रिसीव्स द एनर्जी, इट्स वेलोसिटी इंक्रीजेस, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस बिकॉज ऑफ एसी इलेक्ट्रिक फील्ड। और मैग्नेटिक फील्ड का काम क्या है, जस्ट टू कीप द चार्ज पार्टिकल मूविंग ओवर द सर्कुलर पाथ। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से अगर उसका वेलोसिटी बढ़ेगा तो रेडियस भी बढ़ना चाहिए, सो दैट वी अपॉन आर रिमेन्स कॉन्स्टेंट, मतलब चार्ज पार्टिकल परफॉर्म्स यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अभी हम लोगों ने जो डिस्कस किया वही हम लोग प्रिसाइजली एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू देखते हैं, ठीक है। तो जो मैंने कंटेंट प्रिसाइज करके दिया है इतना ही करने का। देखो कैसे, अ साइक्लोट्रॉन कंसिस्ट द फॉलोइंग मेन पार्ट्स। पहला, इट कंसिस्ट टू स्मॉल हॉलो मेटालिक हाफ सिलेंडर्स D1 एंड D2 कॉल्ड डीज। व्हाई दे आर कॉल्ड डीज, बिकॉज दे अपीयर लाइक दैट। तो ये दोनों, ये साइड व्यू है, ये साइड व्यू है, ये एक्चुअल है, ये आधा मेटल सिलेंडर है, ये आधा मेटल सिलेंडर, हॉलो मेटल सिलेंडर से दे लुक लाइक अ डी, सो दे आर माउंटेड इन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन हियर। इट कंसिस्ट ऑफ टू स्मॉल हॉलो मेटल हाफ सिलेंडर्स D1 एंड D2 कॉल्ड डीज। दे आर केप्ट सेपरेटेड थ्रू अ स्मॉल डिस्टेंस व्हेन दे आर माउंटेड। While mounting, a gap is left between them. एक gap रखा है इन दोनों के बीच में, और यह एक positive source है, मतलब positive ion का source. They are mounted inside the vacuum chamber. जो मैंने room का volume बोला था वो. They are mounted inside the vacuum chamber. दो magnet के बीच में जो gap है, here vacuum is what set up. वहाँ इनको maintain किया. Between the poles of powerful electromagnet. ये जो है ये एन पोल है और ये एस पोल है, मैंने बोला था ये सीलिंग है और ये फ्लोर है। दे आर माउंटेड इनसाइड अ वैक्यूम चेंबर बिटवीन द पोल्स ऑफ पावरफुल इलेक्ट्रोमैग्नेट। ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेट से दे विल सेट अ वेरी वेरी हाई मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन अबाउट 1.5 टेस्ला। ये मैग्नेटिक फील्ड कैसे रहेगा, नॉर्मली डाउनवर्ड, तो ये डी के प्लेन को परपेंडिकुलर होगा। डी का प्लेन हॉरिजॉन्टल है, मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर है। तो जब कोई चार्ज पार्टिकल डी के अंदर मोशन परफॉर्म करेगा तो उस चार्ज पार्टिकल के वेलोसिटी को मैग्नेटिक फील्ड कैसे रहेगा, परपेंडिकुलर रहेगा। एंड एज यू नो व्हेनेवर चार्ज पार्टिकल परफॉर्म्स अ मोशन परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, वर्क डन इज व्हाट, जीरो। The D's are connected to the source of high frequency alternating voltage source. यानी ये AC electric field. AC electric field का काम क्या है? जब इस gap में वो positive ion आएगा, from D it will come out to the gap. जैसे वो gap में आएगा, in the gap electric field is present. क्योंकि ये electric field का कोई effect अंदर D के अंदर नहीं रहेगा। क्योंकि ये जो डी है ये मेटल सिलेंडर है, तो दे एक्ट लाइक अ शील्ड टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जब चार्ज पार्टिकल इस गैप में आएगा तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज को क्या करेगा, एक्सेलरेट करेगा, चार्ज का वेलोसिटी बढ़ेगा, चार्ज का काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा। तो यहाँ एसी इलेक्ट्रिक फील्ड का रोल है चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट करना, वेलोसिटी बढ़ाना, एनर्जी बढ़ाना, और मैग्नेटिक फील्ड का रोल क्या है, उसको सर्कुलर पाथ पे मेंटेन करने। ओके, तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड्स द एनर्जी एंड मैग्नेटिक फील्ड कीप्स अ चार्ज पार्टिकल ओवर द सर्कल। ये मैं कंटिन्यू करता हूं। अ सोर्स ऑफ पॉजिटिव आयन इज केप्ट एट द सेंटर ऑफ द डिस्क पॉइंट पी पे, और या सोर्स होगा या तो हियर इज द प्रोविजन टू इंट्रोड्यूस द पॉजिटिव आयन एट द सेंटर। द चार्ज पार्टिकल आर पुल आउट ऑफ द डिस्क, मतलब ये चार्ज पार्टिकल अंदर सर्कल परफॉर्म करेगा। सर्कुलर मोशन परफॉर्म करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, तो मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल प्लेन में है,
मैग्नेटिक फील्ड वर्टिकल प्लेन में है, तो वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड में एंगल है 90 डिग्री, तो चार्ज पार्टिकल विल परफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो चार्ज पार्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा बिकॉज ऑफ वर्टिकल मैग्नेटिक, लेकिन यहाँ चार्ज पार्टिकल का वेलोसिटी बढ़ने वाला है। तो चार्ज पार्टिकल का वेलोसिटी क्यों बढ़ता है, क्योंकि जब चार्ज पार्टिकल एक गैप के बीच में आएगा एसी इलेक्ट्रिक फील्ड उसको एक्सेलरेट करेगा, उसका काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा। बट व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी, हाफ एमवी स्क्वायर, मास तो बढ़ेगा नहीं, तो बढ़ेगा वेलोसिटी। तो जब चार्ज पार्टिकल इस गैप में आएगा एसी इलेक्ट्रिक फील्ड विल इंक्रीज इट्स वेलोसिटी, एक्सेलरेटेड, इट्स काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा। तो चार्ज पार्टिकल जब एक डी से दूसरे डी में एंटर करेगा तो उसका वेलोसिटी ज्यादा रहेगा। तो अगर वेलोसिटी ज्यादा रहेगा इन बोथ द डीज फॉर अ चार्ज पार्टिकल टू परफॉर्म द सेमी सर्कल, टाइम अलॉटेड इससे, अगर उसका वेलोसिटी बढ़ भी गया लेकिन एक डी में टाइम टेकन टू कंप्लीट द सर्कल सेम, उसको दोनों डी में रिवॉल्व होने के लिए सेम टाइम दिया गया, तो अगर वेलोसिटी बढ़ेगा तो वी अपॉन आर कॉन्स्टेंट रहना चाहिए, इसीलिए वेलोसिटी के साथ रेडियस भी बढ़ेगा और चार्ज पार्टिकल इंक्रीज इन रेडियस का पाथ फॉलो करेगा, क्योंकि वेलोसिटी बढ़ रहा है तो रेडियस भी बढ़ेगा, क्योंकि वेलोसिटी अपॉन रेडियस, वी अपॉन आर इज व्हाट, ओमेगा, ओमेगा यानी फ्रीक्वेंसी यानी पीरियड, ये सब कांस्टेंट रहना चाहिए, तो रेडियस बढ़ते जाएगा। तो जैसे ही उस पॉजिटिव आयन के सर्कुलर मोशन का रेडियस हो जाएगा, रेडियस ऑफ द डी, then it is revolving very close to the surface of cylinder. तो यह एक deflecting plate रहेगा, उसका trajectory को disturb करेगा, उसको बाहर लिया जाएगा। यह एक plate रहेगा, it is kept at negative potential, it will deflect the positive ion and it is taken out. ठीक है, अभी मैं ये वापस थोड़ा speedly पढ़ता हूँ। It consists of two small hollow metallic half cylinders, D1 and D2, called Ds. ये दोनों, ये दोनों, ये साइड लुक है, ये टॉप लुक है। दे आर केप्ट सेपरेटेड थ्रू अ स्मॉल डिस्टेंस, ये दोनों के बीच में गैप रखा है। दे आर माउंटेड इनसाइड द वैक्यूम चैम्बर, ये अपना रूम का वॉल्यूम हो गया, रूम इज वैक्यूएटेड। दे आर माउंटेड इनसाइड द वैक्यूम चैम्बर बिटवीन द पोल्स ऑफ पावरफुल इलेक्ट्रोमैग्नेट, यहाँ पे सीलिंग ऑफ द रूम एक्ट्स एज अ एन पोल एंड फ्लोर एक्ट्स एज अ एस पोल ऑफ स्ट्रांग इलेक्ट्रोमैग्नेट। That magnetic field applied is about 1.5 tesla. So magnetic field rahega vertically downward and electric field rahega horizontal plane. The Ds are connected to the source of high frequency alternating voltage source. Ye wala AC electric. Right? Okay. A source of positive ion is kept at the center of the Ds. Yahan pe rakha hoga. Aur ye, this is the provision where we can introduce a positive ion. Dono mein se kuch ek hoga. या तो सोर्स ही होगा और यहाँ या तो पॉजिटिव आयन को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। अ चार्ज पार्टिकल आर पुल आउट ऑफ द डिस, ये रिवॉल्विंग चार्ज पार्टिकल को बाहर लेने के लिए यह एक डिफ्लेक्टिंग प्लेट होगा। दिस प्लेट इज केप्ट एट अ नेगेटिव पोटेंशियल, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज रिवॉल्व होने जा रहा है। द होल डिवाइस इज केप्ट इन वैक्यूम, ये जो गैप है दिस गैप इज वैक्यूएटेड एंड इन अ गैप प्रेशर इज मेंटेन अबाउट 10^-6 mm ऑफ मर्क्यूरी हाइट। तो इनसाइड अगर कोई मॉलिक्यूल्स रहेंगे, पार्टिकल्स ऑफ एयर रहेंगे, सो दे विल नॉट डिस्टर्ब द मोशन ऑफ पॉजिटिव आयन। सो दिस इज ऑल अबाउट व्हाट कंस्ट्रक्शन। मैंने ऑलरेडी आपका इसको वर्किंग प्रिंसिपल भी बीच बीच में बोला। हमें क्या करना है यहाँ पे कि चार्ज पार्टिकल का वेलोसिटी और काइनेटिक एनर्जी बढ़ाना है। So in order to increase the velocity and hence kinetic energy of charged particle, electric field is required. So that charged particle is always move in the direction of electric field, to accelerate hoga. Lekin usko ek limited area mein hi revolve karna hai. So for that the magnetic field is applied. So what electric field does, whenever चार्ज पार्टिकल अराइज इन दिस गैप, इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सेलरेट द चार्ज पार्टिकल, उसका एनर्जी बढ़ाएगा और दोनों में से जो डी निगेटिव होगा उस डी के अंदर वो चार्ज पार्टिकल एंट्री करेगा। एज सुन एज चार्ज पार्टिकल एंटर्स इन टू द जी विच इज मेंटेन एट निगेटिव पोटेंशियल, क्योंकि उधर अट्रैक्ट होगा,
देन मैग्नेटिक फील्ड विल कम इन टू प्ले. मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगा, उस चार्ज पार्टिकल को सर्क्यूलर मोशन के लिए कंपेल करेगा. सो मैग्नेटिक फील्ड कीप्स द चार्ज पार्टिकल रिवॉल्विंग ओवर द सर्क्यूलर पाथ एंड इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सेलरेट द चार्ज पार्टिकल. इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से वेलोसिटी बढ़ता है तो रेडियस भी बढ़ना चाहिए. बिकॉज फॉर अ चार्ज पार्टिकल टू फॉलो द सर्कल इन आइदर डी टाइम अलॉटेड इज वॉट सेम. तो वी अपॉन आर ये रेशियो कॉन्स्टेंट रहना चाहिए. इसलिए चार्ज पार्टिकल फॉलो द सर्क्यूलर पाथ ऑफ कंटिन्यूस इंक्रीज इन रेडियस. तो टाइम रिक्वायर टू कंप्लीट अ सर्कल हमेशा सेम रहेगा, लेकिन वी बढ़ रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से तो आर भी बढ़ता है. सो वी अपॉन आर यानी ओमेगा, दिस रेशियो रिमेन्स कॉन्स्टेंट. यही वर्किंग प्रिंसिपल. मैं वापस पढ़ता हूँ. अ चार्ज पार्टिकल कैन बी एक्सेलरेटेड टू अ हाई स्पीड या एनर्जी बाय पासिंग इट थ्रू द हाई फ्रीक्वेंसी एसी इलेक्ट्रिक फील्ड. मतलब चार्ज पार्टिकल अगर इस गैप में लेके आया तो एसी इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से उसका एनर्जी और वेलोसिटी बढ़ेगा. अ चार्ज पार्टिकल कैन बी एक्सेलरेटेड टू अ हाई स्पीड बाय पासिंग इट थ्रू द हाई फ्रीक्वेंसी एसी इलेक्ट्रिक. ये एसी इलेक्ट्रिक फील्ड का रोल है. एंड इट इज नॉट अलाउड टू पास थ्रू द इलेक्ट्रिक फील्ड वंस. इट हैपेंस रिपीटेडली. सो एज सून एज दैट चार्ज पार्टिकल अराइव्स इन दिस गैप वो एक्सेलरेट होगा. तो इसका वेलोसिटी और रेडियस बढ़ते जाएगा. एक्सेलरेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीजेस द स्पीड एंड एनर्जी ऑफ चार्ज पार्टिकल आफ्टर एवरी हाफ साइकिल. हाफ साइकिल मतलब एक डी. And transverse magnetic field compels the charged particle to follow the circular path with increase in radius and maintain the ratio V upon R constant. अभी देखो working मैंने already discuss कर लिया. Working के steps यही से लेते हैं. ध्यान रहिए पूरा question आपको exam में कभी नहीं आएगा क्योंकि इसका वेटेज बहुत ज्यादा है. या तो diagram आएगा, या तो working principle 2 mark के लिए आएगा, या तो diagram और construction 3 mark के लिए आएगा, या तो डायग्राम एंड वर्किंग 3 mark के लिए आएगा, या मैथमेटिकल पार्ट 3 mark के लिए आएगा. बहुत सारे क्वेश्चंस है. वर्किंग देखो अभी क्या यहाँ पे पॉजिटिव है. देखो अभी क्या है इस डायग्राम में मैग्नेटिक फील्ड कैसे नॉर्मली इनवर्ड यहाँ पे, और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कैसे नॉर्मली डाउनवर्ड है. दोनों डायग्राम एक ही है, लुक अलग अलग है. यार मैग्नेटिक फील्ड इज नॉर्मली डाउनवर्ड यानी मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ डी. यहाँ पे भी देखो मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ डी. तो डी के अंदर जो एक्सपेक्टेड सर्कुलर पाथ है पॉजिटिव आयन का, उस एक्सपेक्टेड सर्कुलर पाथ को मैग्नेटिक फील्ड कैसे है परपेंडिकुलर. ओके. और यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करके रखा है. इलेक्ट्रिक फील्ड क्या सेट करेगा, जैसे इस गैप में डी ये आएगा पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, उसको एक्सेलरेट करेगा ये वाला. और चार्ज पार्टिकल ने कितना टाइम अंदर द डी लेना चाहिए, वट टाइम चार्ज पार्टिकल शुड टेक इन साइड द डी, वो इसने सेट करके रखा है. इसका जो पीरियड रहेगा आधा पीरियड इधर और आधा पीरियड इधर यूज होगा. तो ये पीरियड तो पीरियड टू रिवॉल्व ओवर द सेमी सर्कल, पीरियड टू रिवॉल्व ओवर द सेमी सर्कल फिक्स है यानी टी फिक्स है. टी इज इक्वल टू 2πr/v. तो आर अपॉन वी रेशियो भी कॉन्स्टेंट रहना चाहिए. इसलिए चार्ज पार्टिकल क्या करता है, अगर वेलोसिटी बढ़ेगा तो अपना रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ भी बढ़ाते रहता है और वी अपॉन आर कांस्टेंट रखा जाता है. इलेक्ट्रिक फील्ड सर्कुलर इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी प्रोवाइड करेगा और मैग्नेटिक फील्ड सर्कुलर मोशन को मेंटेन करके रखा है. तो देखो सपोज द पॉजिटिव आयन से प्रोटॉन एंटर्स द गैप बिटवीन द टू डिस, मतलब पॉइंट पी पे प्रोटॉन को इंट्रोड्यूस किया गया. As soon as proton is introduced at point P and proton finds that D1 is positive and D2 is negative. जैसे proton यहाँ introduce हुआ उसने देखा कि D1 ये D negative potential पे है और D2 ये positive potential है. अभी ध्यान रहे D1 और D2 का potential half period के बाद exchange होते रहेगा, half AC cycle के बाद exchange होते रहेगा. जैसे मानो पीरियड 10 सेकंड है तो ये 5 सेकंड पॉजिटिव रहेगा, अगले 5 सेकंड नेगेटिव हो जाएगा. वैसे ये जब ये पॉजिटिव रहेगा या नेगेटिव होगा, इट अल्टरनेटली हैपेंस विद द टाइम. तो व्हेन पॉजिटिव आयन या प्रोटॉन इज इंट्रोड्यूस हियर
that proton finds that d1 is at negative potential, d2 is at positive potential. So ye d1 ki taraf attract hoga aur entry karega. It enters with the velocity. That velocity is given by AC electric. So as it enters with the velocity and kinetic energy, which is provided by AC electric field. अभी उसका velocity horizontal plane में है और magnetic field vertically upward है. So there is an angle of 90 degree between velocity and magnetic field. The charge particle will follow the semicircular path. And after the half time period, वो यहाँ पे आ जाएगा. As soon as this charge particle arrives into the gap, so in the इधर आ जाएगा gap के अंदर. Now the charge particle finds that the d2 is negative and d1 is positive, so it is attracted inside the d2. वो d2 के अंदर attract होगा. But when it enters into the d2 because of electric field, उसका velocity बढ़ गया होगा, उसका kinetic energy भी बढ़ा होगा, and it enters inside the d2 with greater speed and greater kinetic energy. So again it will follow the semicircular path. Lekin iska velocity abhi badh gaya hai. Though there is an increase in velocity, but time allotted to follow this semicircle to utna hi hai. So agar velocity badhega, utna hi time usko diya gaya hai yahan pe bhi, to iska radius of circular path thoda sa increase ho jayega, so that v upon r remains constant. तो अगेन वापस वो यहां पे आ जाएगा. सो दिस सेमी सर्कुलर मोशन इज मेंटेन्ड बाय मैग्नेटिक. एज सून एज दिस चार्ज पार्टिकल अराइव्स इन अ गैप, व्हाट विल हैपन? द चार्ज पार्टिकल फाइंड्स दैट d1 इज नाउ नेगेटिव, d2 इज पॉजिटिव, बट इन दिस गैप अगेन इट इज एक्सेलरेटेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड. तो अगेन वो इस d1 में एंटर करेगा विद द ग्रेटर स्पीड एंड ग्रेटर काइनेटिक एनर्जी. But time allotted to revolve in this d is also what? Half the time period of AC electric field. अगर उसने उसको उतना ही time दिया गया, तो again what it, the charge particle will do? It will increase the radius of circular path so that v upon r remains constant. And its semicircular motion is again maintained by magnetic field. वापस यहाँ पे आएगा. तो ऐसे आप same discussion continue कर सकते हैं. Gap में आएगा electric field की वजह से velocity बढ़ेगा. काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा. अंदर एंट्री करेगा विद अ ग्रेटर वेलोसिटी, लेकिन सेमी सर्कल फॉलो करने के लिए टाइम अलॉटेड टू फिक्स है. उतने ही टाइम में उसको अंदर रहना है. तो अगर वेलोसिटी बढ़ गया, अगर सेम रेडियस का सर्कुलर पाथ फॉलो करने जाएगा तो जल्दी बाहर आ जाएगा. दैट टू अवॉइड, रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ बढ़ेगा, वापस यहाँ पे आएगा. सो दिस मोशन इज मेंटेन बाय मैग्नेटिक फील्ड. And velocity increase or because of AC electric. So in this motion, V upon R is remaining constant. So V बढ़ रहा है because of electric field. R बढ़ रहा है क्योंकि उसको time allotted to revolve in either d same दिया गया है. So this is how charge particle follows the circular path of continuous increase in radius. That is called as the spiral. As soon as the radius of circular path followed by this positively charged particle equals the radius of d, मतलब उसने जो radius of circular path follow किया और d का radius अगर same हो गया, the charge particle is very close to the surface of d, अंदर से circumference के बहुत close रहेगा. तो ये this negative plate kept at negative potential, उसको अपना track से हटा देगा, and here is the opening to take it out, and it is taken out with a very very high value of velocity and kinetic energy, and it is what allowed to target the element जिसके बारे में हमें पढ़ना है. This is how the device works. तो मैंने अभी जो discuss किया, ये आप अपने notes से वापस पढ़ो. पहला video देख लेने का दो बार तीन बार, और फिर बाद में ये working पढ़ने का. Working थोड़ा precise language है, मैंने थोड़ा ज़्यादा explain किया. ये पूरा पढ़ने का, ठीक है? देखो content कितना है, question का. एक page, दो page, ये तीन पेज, तो इतना सारा कभी नहीं आएगा. नाउ इन अ नेक्स्ट लेक्चर जो जो मैथमेटिकल पार्ट है इस एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड या इस डिवाइस से रिलेटेड, वो हम लोग कंटिन्यू करेंगे. ये मैथमेटिकल पार्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है एज अ बोर्ड थ्योरी क्वेश्चन, सॉल्विंग द एमसीक्यूज एंड सॉल्विंग द न्यूमेरिकल्स.
Next time we'll continue this. Thank you.